Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I'm Kiran Khokhar, back with another video for you guys. So we are back today with new topic and new outfits, and today I have picked up monochromatic outfits for you. So monochromatic outfits hote kya hain basically? तो यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख पाओगे विच आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक आउटफिट्स। सो अगर आपको अभी तक आइडिया नहीं लगा है कि मोनोक्रोमैटिक आउटफिट्स होते क्या हैं, सो मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाती हूँ। तो आप एक काला पिक करते हो, जैसे सपोजिटली आपने ग्रीन कर लिया, तो आप बॉटम को ग्रीन कलर में स्टाइल करोगे, उसी की कोई शेड में आप टॉप को स्टाइल करोगे, एंड अगर आप उसको लेयर कर रहे हो आउटफिट को, तो ग्रीन पैलेट में से ही कोई और मे बी लाइटर शेड, डार्कर शेड, इसी तरह से पूरा आउटफिट क्रिएट कर लोगे। सो दिस इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक आउटफिट। ये बहुत ही बैलेंस्ड और हारमोनियस लुक लगता है और बहुत ईजी टू स्टाइल होता है। मतलब जिस दिन आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना कि आपको क्या करना है, तो आप एक मोनोक्रोमैटिक आउटफिट के साथ चले जा सकते हो। नाउ ब्लैक ऑन ब्लैक एंड व्हाइट ऑन व्हाइट तो हम बहुत ही ज्यादा ट्राई करते हैं, आई एम श्योर आपने ट्राई किया भी होगा। सो हियर आई हैव गॉट यू कपल ऑफ अदर कॉम्बिनेशंस व्हिच यू कैन ट्राई फॉर दिस समर सीजन, एंड आई होप यू डू बिकॉज दैट इज व्हाट समर्स इज ऑल अबाउट, कलर्स। So I will probably come up with more outfits when it comes to monochromatic outfits and some other palettes as well. But for now, I have created 4 looks. I hope this will help you in some way. So do try these and let's get started. So पहला monochrome outfit जो मैंने यहाँ पे choose किया है, ये है blue on blue. और इस look के अंदर मैंने pair किए हैं अपने blue color के straight fit trousers. और मैंने इसको style किया है एक tank top के साथ. Now here the look is in itself is complete. अगर आप चाहो तो इसके साथ sneakers डाल के ऐसे भी जा सकते हो, but मुझे लगा इसको थोड़ा और elevate करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके साथ style कर ली है ये एक और blue color की palette से darker shade में royal blue color की shirt. So जो मेरा lighter color का palette था वो मेरे bottoms थे, and मेरा tank top भी lighter shade of blue से था, इसीलिए मैंने एक pop of color के लिए और also you know just मैं आउट ऑफ वेयर में कोशिश करती हूँ कि एक ब्राइटर टोन डाल दूं, इसलिए मैंने ये ब्राइटर कलर की शर्ट डाली है। सो माय होल लुक इज कंप्लीट इन जस्ट नो टाइम, एंड ये लुक बहुत ही कैजुअल भी लगता है, बहुत ही इजी आउटगोइंग लुक है। आई टोटली लव दिस कलर पैलेट, एंड ये बिल्कुल समर फ्रेंडली है और अभी के टाइम पे तो बहुत ही ट्रेंडिंग है, सो यू मस्ट ट्राई दिस कलर पैलेट। सो इफ यू आर हैप्पी सीइंग दिस वन, लेट्स चेक आउट द अदर वन एंड लेट्स सी व्हाट द कलर पैलेट होल्ड्स। यहाँ पे जो मैंने कलर पैलेट्स चूज किए हैं वो है डार्कर ग्रीन पैंट्स, एंड उनको मैंने स्टाइल किया है ये क्रॉप टॉप के साथ जो कि नियोनिश ग्रीन में है, एंड उसके ऊपर डाली है मैंने ये डार्कर ग्रीन कलर की शर्ट। नाउ दिस होल लुक इज वेरी प्लेजेंट एंड वेरी मोनोक्रोमैटिक। अगर आप चाहो तो नियॉन ग्रीन की जगह एक बेसिक ग्रीन क्रॉप टॉप भी ले सकते हो, एंड दैट वुड वर्क इक्वली वेल। मैंने इसके साथ पहने हैं व्हाइट कलर के क्लियर स्ट्रैप हील्स और कैरी किया है ग्रीन कलर का बैग। Now again, my jewelry is very dainty and very minimal because anyways, जब आप monochromatic outfit style कर रहे होते हो तो वो अपने आप में एक statement outfit बन जाता है। So अगर आप अपनी jewelry minimal रखोगे, that would work in your favor. मुझे ये tucked in look ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लगता है because मुझे थोड़ा सा boxy top अच्छा लगता है personally अपने लिए। But if you want, आप थोड़ा fitted shirt भी ले सकते हो and वो भी बहुत beautiful लगेगा। Just to add a golden touch to this look, मैंने इसके अंदर ये chain belt भी add कर दी है। ये पैसे बताओ तो चेन बेल्ट नहीं है, ये क्लच का एक चेन था जिसको मैंने बेल्ट की तरह स्टाइल किया है। दिस इज टोटली अवॉइडेबल, हाउएवर इफ यू वांट टू लुक लाइक दिस देन फॉर श्योर यू कैन ऐड इट। नाउ लेट्स चेक आउट व्हिच इज द थर्ड लुक। सो जो थर्ड लुक है ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप सोच रहे हो कि आप ऑफिस के अंदर मोनोक्रोमैटिक लुक कैसे पहनकर जा सकते हो, देन दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई। हियर आई हैव स्टाइल्ड माय फेवरेट पिंक हाई वेस्टेड स्कर्ट विद अ पिंक शर्ट ऑफ द सिमिलर पैलेट, और मैंने इसके साथ ज्वेलरी भी मैचिंग पहनी है, बट अगेन एट द सेम टाइम बहुत ही डेंटी मिनिमल ज्वेलरी पहनी है, और मैंने इसको पेयर किया है पिंक रोज न्यूड काइंड ऑफ हील्स के साथ, इफ दैट मेक्स सेंस। सो थोड़ी सी न्यूड है बट उसमें पिंकिश टच है। ये पूरे लुक को मैंने कंप्लीट किया है अपने पिंक बैग के साथ। पूरा लुक बहुत ही चलता फिरता पिंक पैलेट लग रहा है, बट आई टोटली लव दिस। इफ यू आर समबडी हु लव्स दिस शेड ऑफ टोन, आई वुड से दैट यू शुड गो फॉर इट। इट इज़ अ टोटली ब्यूटिफुल रोमांटिक कलर पैलेट, एंड अगर आपको सपोजिटली शर्ट नहीं डालनी है, आप पिंक टी शर्ट के साथ भी ये लुक ट्राई कर सकते हो, एंड इट विल बी अ टोटल थम्स अप लुक।
Now let's check out the last look, which is the fourth one. So जब हम monochromatic looks की बात कर रहे हैं तो हम white color कैसे छोड़ सकते हैं? तो मैंने यहाँ पर स्टाइल किया है अपनी व्हाइट कलर की पैंट्स को, जिसके अंदर एक कॉन्ट्रास्ट डिटेलिंग है ऑफ ब्लैक. इसीलिए मैंने इसको स्टाइल किया है एक व्हाइट कलर की क्रॉप टॉप के साथ, जिसके ऊपर पोल्का डॉट्स हैं, और मैंने पूरे लुक को कंप्लीट किया है इस ब्लेजर के साथ. नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि क्या हम मोनोक्रोमैटिक लुक्स के अंदर प्रिंट्स पहन सकते हैं, देन ऑफ कोर्स अगर आप सिमिलर कलर पैलेट पहन रहे हो और उसके अंदर प्रिंट्स ऐड करना चाहते हो, देन आप ऐसे भी अपने लुक्स को मोनोक्रोमैटिक रखकर स्टाइल कर सकते हो. दिस इज टोटली डूएबल एंड यू मस्ट ट्राई दिस. अगेन इफ यू वांट टू अवॉइड ब्लेजर्स फॉर दिस समर, देन यू कैन गो अहेड एंड स्टाइल इट विद योर शॉर्ट्स, और इवन यू कैन गो जस्ट विद ट्राउजर्स एंड क्रॉप टॉप्स एज वेल, एंड इट विल बी अ टोटल गो टू लुक. So, यहाँ पर मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है अपने व्हाइट हील्स के साथ, एंड ऑल्सो हैव एडेड अ बैग ऑफ द सिमिलर पैलेट्स. नाउ यू सी हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक हैज टर्न्ड आउट टू बी. आई होप यू विल लव दीज लुक्स, एंड आई वॉज एबल टू गिव यू सम मोनोक्रोमैटिक इंस्पिरेशन. सो डू ट्राई देम एट होम एंड लेट मी ऑल्सो नो हाउ डिड यू लाइक दीज लुक्स. If you made it till here, thank you for watching today's video, and I hope you really liked it. If you did, make sure you subscribe to this channel because it really means a lot. Also, you can see the notification bell on my channel. Make sure you turn it on. Otherwise, how will you get to know that I'm uploading weekly videos? These are my social media channels. I would love to see you guys there. I upload daily content on my social media channels, and it will be a great way to have you there because we can interact more. I would love to see your pictures if you try all these outfits. Make sure you send me those, and I'm gonna see you in my next video. I love you guys. Your love and support means a lot, undoubtedly, and I love to see your beautiful comments in my comment section. So for now, this will be all. See you in my next video. Bye bye.